अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के कितने सवाल थे? वन। क्या था याद है? साइन थीटा और कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको सवाल भी याद है? तीन का घात नौ होता है, खाली ब्लैंक्स होता है, प्लेन ब्लैंक्स होता है, तीन का घात नौ होता है तो 81 का हाँ तीन का हम बताना था कितना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं बेस्ट अफेयर। दोस्तों आज बिहार पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम था, कैंडिडेट लोग बाहर निकले उनसे हम पूछेंगे। ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का भी हमने वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसा आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत बेस्ट गया है, मैंने 100 पे 100 टिक किए हैं। एंड जो निगेटिव मार्किंग नहीं था तो कर ही देंगे, लेकिन अच्छा ये बताए कि मेरा सही कितना होगा? 80 तो बढ़िया। रीजनिंग में जो पिछले टाइम एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, देन उससे टफ हुआ है, एंड इस टाइम जो बेस बनी है, सीट्स बनी है, काफ़ी क्लियर है और अच्छी भी है। जनरली ये स्टूडेंटों के लिए अच्छा है, अगर स्टडी करेंगे तो क्यों नहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये आपका कौन से कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने इससे पहले? इससे पहले मैंने बस दो दिए हैं। दो दिए, ये थर्ड है आपका बिहार कांस्टेबल का? नहीं नहीं, बिहार कांस्टेबल का फर्स्ट है, इससे पहले मैंने यूपीएससी का फर्स्ट दिया है एंड एसएससी एमटीएस का फर्स्ट। देन एमटीएस के लेवल के बराबर है या उससे? एमटीएस के लेवल से अभी हाई, थोड़ा ऊपर है, नॉर्मल नॉर्मल। करंट अफेयर सवाल थे क्या? जी। कितने सवाल थे? करंट अफेयर से मिनिमम 50 अबव। करंट अफेयर 50? क्या क्या सवाल थे, कुछ सवाल बताइए। जनरली कुछ आपके जैसे सर्कल चैप्टर में से रीजनिंग में थे, मैथमेटिक्स में भी थे, एंड बात वो से तो थे, मैं सिर्फ करंट अफेयर का पूछ रहा हूँ। करंट एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से, क्या था याद है? इसका था कि महाराष्ट्र कौन, मतलब कुछ है, अरना आया था, बांग्लादेश का आया था, कब हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, एक जो है इसका जो पद्मश्री पुरस्कार कौन से किसे मिला है? पद्मश्री या पद्म विभूषण? पद्मश्री। पद्मश्री। अच्छा, बिहार स्पेशल कुछ था? बिहार स्पेशल ये है कि जनरली यहाँ पे जो न्यू चेंजेस आए हैं वो क्या है डेवलपमेंट के बारे में, एंड देन और कुछ था बिहार से? बिहार से रिलेटेड ये है कि जनरली जो इस समय चेंजेस आ रहे हैं जनसंख्या के बारे में, कुछ बातें जो बताया गया पॉपुलेशन वगैरह के बारे में थे, कुछ सेंसस के बारे में? जी बिल्कुल थे। क्या थे इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में से आया था कि मतलब भारत में किसकी वजह से मतलब कमी है, मतलब इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम है, डाउन हो रही है। ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सवाल थे? कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं जनरली, अभी सिचुएशन ये है कि अगर कंपटीशन टफ हो रहा है देन उस हिसाब से अगर प्रोग्रेस मिले। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आज कौन सा नीति निदेशक आया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फंडलेशन क्या आया था, भारत में केंद्र राज्य संबंध आया था, चार क्वेश्चन आए थे, बांग्लादेश का स्वतंत्रता कब हुई थी, हाँ, और हिस्ट्री में से एक आया था अफीम युद्ध का, अफीम ओपीएम और चाइना वाला, वो हाँ ओपीएम चाइना वाला, और स्वाभिक संसद की अवधारणा वाला आया था, यही आया, और आर्टिकल से, और आर्टिकल में से एक आया था आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, नीति निर्देशक यूसीसी के बारे में, कितने सवाल थे? क्वेश्चन था डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली तरह का था। रीजनिंग में घात पर दिया था, वर्गमूल पर दिया था, मैंने तीन का घात नौ होता है, वो तो मैथ्स का हो गया। नहीं नहीं, रीजनिंग में ही मैथ में आता है, इसे तीन का घात नौ होता, खाली ब्लैंक्स होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, तीन का घात नौ होता है तो 81 का, हाँ तीन का बताना था कितना होता है, हाँ तो 81 का कितने तो आ गया था, तीन एसएपीएलसी में सवाल था, ओके 81 का तो आ गया था। अच्छा ये बताइए मैथ्स के कैसे सवाल थे? सिंपल से बहुत इजी थी जनरली, अगर एक तो ट्रिग्नोमेट्री से थे, उसका ट्रायंगल से थे, उसे सर्कल से थे, सर्कल से थे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के कितने सवाल थे? एक क्या था याद है? साइन थीटा और कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको सवाल भी याद है, सिंपल था। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस का था क्या ट्रिग्नोमेट्री का? 1 एक था, कौन 60 डिग्री दिया था, और ये मिनिमम 5 and 6 चैप्टर्स वाइज 1 1 1 क्वेश्चन एवरेज का था, एवरेज का था। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था? नहीं। एसआईसीआई का? नहीं। एवरेज का? नहीं। हाँ एवरेज का बनता एक था, और ये था ट्रेन वाले थे? नहीं वो सब नहीं। बोट एंड स्ट्रीम नाव वाले? नहीं। इतना था। रीजनिंग कितने थे सवाल? दो तीन थे। क्या क्या थे? एक तो सेम फिगर खोजना था, वो फिगर काउंटिंग वाला, एनालिटिकल रीजनिंग, काउंटिंग नहीं, सेम फिगर चूज करना था। उसके बाद सीरीज का था? सीरीज का नहीं, हाँ सीरीज का नहीं था, ये क्या बोलते पोजीशन चेंज था क्या। अच्छा अगर बात किया जाए साइंस का, साइंस का कैसा सवाल था? साइंस का भी अच्छा था। साइंस में कैसे सवाल कुछ टफ पूछे गए थे? पिछले शिफ्ट में कई लोग बोल रहे थे कि बायोलॉजी थोड़ा टफ पूछा गया था, बायो इसमें भी टफ था। क्या था सवाल कुछ याद है? बायो का सेल से कुछ सवाल थे? सेल से नहीं। किससे सवाल था? फोटोसिंथेसिस वगैरह से रिलेटेड?
जाइलम ये सब से था। जाइलम फ्लोएम से था। अच्छा ये बताइए कि कुछ बीमारी वगैरह के बारे में था? हाँ जी था। क्या था? क्या किसको कौन से वैक्सीनिया या कुछ किसका नाम है ऐसे दिया था। और कुछ था अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड कुछ, जैसे पद्म विभूषण ये सब के बारे में आपने बताया? तो एक बताया 2023 में किसे मिला है उसके बाद। और कुछ था नोबेल प्राइज के बारे में, सबके बारे में? नहीं। अच्छा और ये बताइए कि बुक एंड ऑथर से एक दो सवाल थे या नहीं? जी एक थे। क्या था? बुक का नेम नहीं याद है, भूल रहे हैं, बट था। अच्छा ये बताइए कि हमारे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल थे? स्पोर्ट्स से नहीं। स्पोर्ट्स से नहीं था, एक भी सवाल नहीं था? नहीं। ओवरऑल आप रेट क्या करना चाहेंगे, कैसा था सवाल का लेवल पिछली बार का आपने देखा था या दिया है? पिछली बार एग्जाम पिछली बार से इस बार टफ था, थोड़ा सा टफ था। कितना टफ था अगर पिछली बार? नहीं हल्का, बहुत ज़्यादा टफ था लेकिन लेवल इस बार था, मैथ और रीजनिंग छोड़ के और सबका लेवल था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा गया। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? क्या कितने बार आपने एग्जाम दिया? पहली बार। पहली बार है आपका, कितना सही होगा? लगभग होगा 80 करीब। 80 के करीब सही होगा। अच्छा ये बताइए कि सारे सेक्शन में सबसे आसान क्या लगा आपको? सबसे आसान लगा मुझे जीएस। जीएस आसान लगा जी। अच्छा ये बताइए टफ क्या लगा? टफ क्या लगा, सबसे हार्ड क्या लगा? टफ तो कोई विशेष तो नहीं था टफ क्वेश्चन। अच्छा, आसान लगा जीएस क्यों, क्या आसान था थोड़ा बताइए जरा। क्या पूछे बताएं आप? कौन कैसे कौन से सवाल आपको आसान लगे, कुछ सवाल आपको याद हो तो वो बताइए। कौन सा सेक्शन जीएस में आसान लगा? नहीं संविधान से का एक सवाल थे ना, 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा क्या संविधान से क्या सवाल थे? नहीं एक था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। अच्छा, सबसे सरल ये था। अच्छा और क्या क्या आसान आसान क्या क्या सवाल लगे जरा बताइए। अच्छा ये बताइए साइंस के कैसे सवाल थे? साइंस के भी अच्छे थे। साइंस के अच्छे थे। केमिस्ट्री के क्या सवाल थे कुछ बताइए, रिएक्शन वगैरह थे? हाँ क्या थे जरा बताइए, कोई याद है सवाल? रिएक्शन केमिस्ट्री का नहीं था। अच्छा फिजिक्स के कैसे सवाल थे? फिजिक्स का ये था कि ध्वनि तरंगे किस में मापी जाती, आवृत्ति, उसका आंसर ठीक था। और कोई था मात्रक वगैरह के बारे में? और नहीं मात्रक के बारे में। और क्या था फिजिक्स में? फिजिक्स न्यूमेरिकल वाले थे? न्यूमेरिकल नहीं थे, नहीं थे। पिछले शिफ्ट में पूछे जी के चीज में ये था जो कौन सा मतलब हजारीबाग पूर्व मध्य रेलवे है ये इसका मिलान आया था, कौन सा दक्षिण मध्य है, कोई पूर्वी उत्तर ये वाला आया था। रेल के जोन के मुख्यालय थे? ना ना जो हम मुख्यालय नहीं जो जोन में है कोई मध्य। अच्छा ये बताइए कि इकोनॉमिक्स से क्या सवाल था? पिछले शिफ्ट में कई सारे सवाल पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, बैंक से रिलेटेड कुछ थे? ना नहीं थे। रेपो रेट वगैरह इंटरेस्ट रेट के से कुछ सवाल? नहीं नहीं। अभी ये आया था 2023 में हाल ही बिहार के किसको पद्म विभूषण दिया गया है? पद्मश्री। पद्मश्री के और कोई अवार्ड एंड ऑनर से कुछ सवाल था? पद्मश्री नोबेल प्राइज वगैरह से? और नहीं पद्मश्री। अच्छा बिहार स्पेशल क्या था? बिहार स्पेशल में तो यही था ओनली पद्म, और कुछ नहीं था? और कुछ पिछले शिफ्ट में भी कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा आप कहाँ से है? मैं झांसी बुंदेलखंड। अच्छा बुंदेलखंड से। अच्छा ये बताइए कि मैथ्स के कैसे सवाल थे? मैथ की इजी, सारी इजी था। मैथ इजी सबसे इजी मैथ था। मैथ में एक दो लेंदी सवाल लगे? रीजनिंग मतलब जो मैथ रीजनिंग की भी थी, मतलब मैथ टाइप में तीन क्वेश्चन थे रीजनिंग के। क्या थे सवाल रीजनिंग के बताइए जरा? तो आकृति वाला था। आकृति वाला क्या? फिगर काउंट करना है, कितना ट्रायंगल है, संख्या, लुप्त संख्या, कितनी त्रिभुज है, फिगर में कितने त्रिभुज है, वो सब। अच्छा क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो रहते हैं ना क्वेश्चन वगैरह, वो भी थे। और एक्स वाई वाला भी था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। अच्छा सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे। और कोई अलजेब्रा वगैरह से और कुछ थे? और रीजनिंग में था वो क्या नाम, किससे सही होगा दो जगह बदलना होता उसको। अच्छा और वो था हिंदी था। हिंदी से कैसे सवाल थे? संधि वगैरह सवाल थे? नहीं नहीं शुद्ध शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी बहुत ईजी हुआ है जहाँ तक है, थोड़ा मैथ का हार्ड था और फिजिक्स का हार्ड था, बाकी सब इजी था। हार्ड क्या लगा फिजिक्स का जगह बताइए? फिजिक्स का वही आपका जो बोलता है आप सारी प्लेट किससे मिलता है, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं ये कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन था जो अभी हमको याद नहीं है। अच्छा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सवाल थे? हाँ न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन था। अच्छा पिछले शिफ्ट में कई सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे, पिछले कौन सा था सवाल आपको याद है? नहीं वो तो नहीं याद है, लेकिन रीजनिंग से एक क्वेश्चन था जो हार्ड था। क्या था क्वेश्चन याद है? वही कि एक मतलब ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन वाला नहीं था वो, था डायरेक्शन अल्फाबेटिक था। अच्छा अल्फाबेटिक। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड शिफ्ट की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है। फर्स्ट शिफ्ट की भी मेरे वीडियो, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और भी अदर एग्जाम के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।